हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का कलरफुल थाल पोस बनाएंगे जिसे हम टेबल क्लॉथ के रूप में भी यूज कर सकते हैं, डोरमेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इस डोरमेट में मैंने बच्चे ही सभी ऊनों से बनाया है। जो ऊन मेरे पास सबसे कम होती है उसे लास्ट में लगाते हैं और जो ज़्यादा होती है उसे हम शुरू में लगाते हैं। लास्ट में हम जो ऊन लगाते हैं सबसे लास्ट में, वो हमें 4 मीटर चाहिए रहती है। उससे अगली ऊन हमें 8 मीटर चाहिए रहती है। उससे अगली ऊन 12 मीटर, हर ऊन हमें 4-4 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए रहती है। उसी ऊन के हिसाब से हम इसे बनाते हैं। बीच वाली ऊन हमें लगभग 3.5 या 4 मीटर के करीब चाहिए रहती है और सभी ऊन हम 4-4 मीटर एक्स्ट्रा बनाते हैं। ये 4 मीटर वाइट ली है तो रेड में 12 मीटर लेनी है, फिर हमें 16 मीटर लेनी है, फिर ये 20 मीटर। इससे हमें ऊन का भी आइडिया लग जाता है कि हमारे पास कौन सी ऊन कितनी है, उस हिसाब से हम इसे बनाते हैं। इसमें हम सभी तरह की बची हुई ऊन से ये जितना बड़ा चाहें। मैंने इसमें अब 8 लाइनें डाली हैं इसमें मैंने, तो आप जितना बड़ा चाहें इसे इतना बड़ा बना सकते हैं। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सिलाई में 32 फंदे डाले हैं। तो हम ब्लू कलर की ऊन लेते हैं, तो शुरू में 2 फंदे हम ब्लू कलर की ऊन से बनाते हैं। पहली सिलाई हमारी उल्टी सिलाई से शुरू होती है, फिर हम इन 2 फंदों को उल्टा बना लेते हैं। सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी निकलती हैं। 2 फंदे उल्टा बनाने के बाद हमें हर उल्टी सिलाई में 2 फंदे बढ़ाने रहते हैं। तो शुरू में हमें ये 2 फंदे बनाए थे जिन्हें बना लेंगे, फिर उसके बाद हमें 2 फंदे और बनाने। 2 फंदे ना बनाकर हम इसमें एक तो ब्लू कलर की ऊन से बनाएंगे और एक फंदा हम वाइट कलर की ऊन से बनाएंगे। उल्टी सिलाई में हमारे फिर वापस से 4 फंदे हो गए। वापस से हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए, जो हमारी उल्टी निकली। एक फंदा हमने वाइट कलर की ऊन से बनाया, उनको पीछे ले जाएंगे, ब्लू कलर की ऊन को आगे लेंगे। दोनों उनको हम क्रॉस कर लेते हैं इस तरह, एक दूसरे क्रॉस। फिर ये 3 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं। फिर वापस से अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में फिर हमें 2 फंदे बनाने, अभी हमारे 4 थे, अब 6 हो जाएंगे। शुरू में हमने 2 फंदे बनाए, 3 फंदे हमने ब्लू कलर की ऊन से बनाए, एक हमने वाइट कलर की ऊन से बनाया था। 2 फंदे बढ़ाने हैं, एक तो हम वाइट कलर की ऊन से बनाएंगे, एक बनाएंगे हम ब्लू कलर की ऊन से। फिर हमारे सिलाई में 6 फंदे हो गए। वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए, जो हमारी उल्टी बनेगी। पहला फंदा हमने ब्लू कलर की ऊन से बनाया, उनको पीछे ले जाते हैं, वाइट कलर की ऊन को आगे लाते हैं, दोनों उनको क्रॉस कर लेते हैं जिससे बीच में गैप नहीं रहता है। 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर उनको पीछे ले गए, ये सभी फंदे हम ब्लू कलर की ऊन से बना लेते हैं। वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में वापस से 2 फंदे बढ़ाने हमें। शुरू के 3 फंदे हमने ब्लू कलर की ऊन से बनाए, फिर 2 फंदे हमने वाइट कलर की ऊन से बनाए, फिर एक फंदा ब्लू कलर की। ये तो हमारी पिछली सिलाई के थे, अब वापस से हमें 2 फंदे और ब्लू कलर की ऊन से बनाने। इस तरह सिलाई में हमारे अब 8 फंदे हो गए। अब इन 8 फंदों को हम वापस से बना लेंगे। तो उनको पीछे ले जाते हैं, फिर क्रॉस करते हुए आगे लाते हैं वाइट कलर की ऊन को, फिर वाइट कलर की ऊन को पीछे ले जाते हैं, ब्लू कलर की ऊन को ले आते हैं। तो ये वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम बना लेते हैं। अब इस सिलाई में हमारे 8 फंदे थे, अब वापस से हमें 2 फंदे और बढ़ाने हैं, जो हम अब दूसरे कलर की ऊन से बनाएंगे। इसके लिए मैंने अभी ये ग्रे कलर की ऊन ली,
तो शुरू के दो फंदे हम ग्रे कलर के उनसे बनाएंगे। वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए, सभी फंदों को जिस कलर के उसी कलर से बना लेते हैं। यहाँ पे हमें क्रॉस कर लेते हैं जिससे बीच का गैप खत्म हो जाता है। जिस कलर की ऊन होती है उसी कलर की ऊन से हमें सभी फंदे बना लेते हैं। हर उल्टी सिलाई में हमें दो फंदे बढ़ाने रहते हैं। अब के दो ग्रे कलर के बनाए थे, चार ग्रे कलर के हो जाएंगे। दो फंदे और बढ़ा लिए हमने, हमारे चार ग्रे कलर के ऊन के हो गए। अब सभी फंदों को जिस कलर के हैं उसी कलर से हम पूरी सिलाई बना लेते हैं। ऊन को क्रॉस करना याद रखना है। वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए। अब उल्टी सिलाई में हम नया कलर लगाएंगे। शुरू के फंदे तो हम बना लेते हैं। चार ग्रे के बन गए। वापस से हमें दो फंदे बढ़ाने हैं। अब हम इसमें पर्पल कलर की ऊन लगाएंगे। शुरू के दो फंदे हम अब पर्पल कलर की ऊन से बनाएंगे। वापस से जिस कलर की ऊन के हैं शुरू के दो फंदे पर्पल कलर की ऊन से बनाए, फिर हम ये ग्रे कलर की ऊन को आगे लाएंगे। क्रॉस करना याद रखना है। फिर ग्रे के बना लेंगे। इस तरह हम सभी कलर की ऊन को बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। वापस उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में सभी रंग की ऊन को तो सभी कलर की ऊन को तो बना लेंगे। और आगे हम दो फंदे और बढ़ा लेंगे तो हमारे पर्पल कलर की ऊन के अब चार फंदे हो जाएंगे। वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए। सभी कलर की ऊन को बना लेंगे। जिस कलर की ऊन है उसको उसी कलर की ऊन से पूरा उल्टा उल्टा बना लेते हैं। बस यहाँ पे हमें क्रॉस करना याद रहता है सभी जगह पर। वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए। अब उल्टी सिलाई में हमें वापस से दो फंदे बढ़ा लें, तब हम अपना अगला कलर लगाएंगे। बस में उनको हमेशा उल्टी सिलाई में भी क्रॉस करना है और सीधी आगे वाली सिलाई दोनों तरफ ऊन को इस तरह एक दूसरे पर क्रॉस करते हुए बनाना है। वापस से हम अपना अगला कलर लगाएंगे। हम अपना ग्रीन कलर लगाते हैं। ऊन को इस तरह आगे रख लेते हैं। पीछे की सिलाई में भी ग्रीन कलर से दो फंदे बना लेते हैं। इन दो फंदे ग्रीन कलर की ऊन से बना लिया। वापस से हम पूरी सिलाई अब निकाल लेंगे। जिस कलर की ऊन है उसी कलर से उनको एक दूसरे से क्रॉस करना याद रखना रहता है।
और बस हम उल्टी सिलाई में आ गए। अब उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को बना लेंगे और दो फंदे हम और बढ़ा लेंगे तो हमारे ग्रीन कलर के चार फंदे हो जाएंगे। पूरी सिलाई को हम निकाल ग्रीन के दो फंदे तो हमने बना लिए। पीछे भी हम इस तरह क्रॉस कर लेते हैं, ऐसे ये पर्पल उनको मैंने आगे लिया, ग्रीन को इसके ऊपर से बनाते हैं जिससे यहाँ भी क्रॉस हो जाता है। फिर अभी हमारे चार फंदे ग्रीन कलर के उनके लिए वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए। पूरी सिलाई उल्टी निकाल लेंगे, जिस कलर की ऊन है उसी कलर की। पर्पल ऊन को आगे लाएंगे क्रॉस करते हुए और बना लेंगे। ऊन थोड़ी सी उलझ जाती है जिसको बीच बीच में हम सुल जाते रहते हैं। हम यहाँ पे उनके छोटी छोटी ऊन की गिट्टे लेते हैं तो उनको इस तरह खींच लेते हैं जिससे भी ऊन सुलझ जाती है हमारी। तो वापस से उल्टी सिलाई में आ गए, वापस से हम दो फंदे और बढ़ा लेंगे। अब हम अपना अगला कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर की उनके बाद अपना अगला कलर लगाएंगे। अब हम इसमें येलो कलर की ऊन लगाएंगे। तो शुरू में येलो कलर की ऊन से हम दो फंदे बनाएंगे। दो फंदे बनाएंगे वापस से हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई से हम सभी फंदों को बना लेंगे। बनाते हैं हम अपनी पूरी कर लेते हैं स्ट्रोक को। बस हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। सभी फंदे जिस कलर के बना लेंगे हम, तो दो फंदे हम और बढ़ा लेते हैं इसमें। येलो कलर के हमने दो फंदे तो बना लिए थे पिछली सिलाई में, अब इस सिलाई में हम दो फंदे और बढ़ा लेते हैं। वापस से हम सीधे सिलाई में आ गए। सभी कलर की ऊन से हम अभी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। बस हमें यहाँ पे क्रॉस करना याद रहता है हर कलर के बीच में, जिससे बीच में गैप नहीं रहता है। अब हम वापस से अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में हम वापस से दो फंदे और बढ़ा लेंगे तो हम इसमें अपना अगला कलर लगाएंगे। येलो कलर के उनके भी चार फंदे बना लिए। हम अपना अगला कलर लगाएंगे। अगला कलर हम रेड कलर के ऊन लगाते हैं। अगर हमारे पास
ऊन कम होती है तो हम ये चार चार की जगह दो दो की डिज़ाइन बना सकते हैं। दो फंदे बना लिए मैंने, वापस से मैं अपनी सीधी सिलाई में आ गई। सभी फंदे जिस कलर के उसी कलर के ऊन से हम इसे पूरी रो को बना लेते हैं। बस क्रॉस करना हमको हर ऊन के बीच में याद रहना। वापस उल्टी सिलाई में आ गए, हम दो फंदे और बढ़ा लेंगे तो हमारे पे रेड कलर के हम चार फंदे हो जाते हैं। रेड कलर के उनसे चार फंदे बना लेते हैं, दो तो हमारे बने हुए हैं, दो और बना लेते हैं। हर उल्टी सिलाई में हमें दो दो फंदे बढ़ाने रहते हैं। वापस से हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए, जिस कलर की उनके फंदे हैं उनको उसी कलर की उनसे बना लेते हैं। क्रॉस करना याद रखना रहता है। वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए, हम अब अपना अगला कलर लगाएंगे। अब इसमें वाइट कलर की ऊन लगे, सभी कलर की ऊन को रेड कलर के उनके भी फंदे बना लिए। हम अपनी सिलाई में दो फंदे और बढ़ाएंगे जो हम अपनी वाइट कलर की ऊन लगाते हैं। दो फंदे हम वाइट कलर की ऊन से बना लेते हैं। अब सभी फंदों को सीधी सिलाई में जिस कलर की उनके फंदे हैं सभी को बना लेते हैं। यहाँ पे हमें एक दूसरे ऊन को एक दूसरे से क्रॉस करना याद रखना रहता है। वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए, दो फंदे हमने वाइट कलर की ऊन से बना लिए थे, अब हमारे सिलाई में दो फंदे बच्चे हैं, अभी चार फंदों के हम बना लेते हैं हमारी ये सिलाई। मैं दो फंदे तो बना लिए थे वाइट कलर के, उनसे बचे हुए दो फंदे भी बना लेते हैं और हमारे सभी फंदे बन जाते हैं। हम सीधी सिलाई भी पूरी निकाल लेते हैं, इसके बाद हमारी एक कली पूरी हो जाती है।
क्रॉस करना है हमें एक दूसरे से, याद रखते हो। इस तरह हमारी ये एक कली पूरी हो जाती है। ऊन हमारी इस तरह उलझ जाती है, तो लास्ट में जो हमारी छोटी ऊन रहती है उसको इस तरह हम इस तरह खींच लेते हैं, जिससे हमारी ये ऊन सुलझ जाती है। तो हमारी एक कली बन गई। इस तरह हम इसमें हम 12 कलियाँ बना लेते हैं। तो वापस से उसी तरह हम शुरू में दो फंदे बनाएंगे, दो फंदों को ही बना लेंगे हम। शुरू में दो फंदे बनाए, दो को ही वापस बना लेते हैं, फिर वापस से हम इस सिलाई में से दो फंदे और ले लेंगे। तो शुरू में 3-4 फंदे हो जाएंगे। इस तरह हम ये एक कली बना ली, इस तरह हम इसमें 12 कलियाँ बना लेते हैं। इसमें मैंने पूरी 12 कलियाँ बना ली। बनाने के बाद इसे व्हाइट कलर की ऊन से सभी फंदों को घटा के उनको हम काट देते हैं। अब हम इसकी सिलाई करें। सिलाई करने के लिए इसको इस तरह हम उल्टा करते हैं, व्हाइट कलर की ऊन को सुई में डाल लेते हैं। इस तरह इसको यहाँ से पकड़ के दोनों हिस्सों को यहाँ पे इस तरह हम यहाँ पे एक नोट लगा लेते हैं। इसकी सिलाई हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से सिलाई करते हैं इसकी, जैसे हम किसी कपड़े में सिलाई करते हैं ना दो कपड़ों के बीच की, उस तरह से इसकी सिलाई करनी रहती है हमको। जिससे हमारा ये दोनों से इस तरह से जुड़ जाते हैं। जिस कलर की ऊन है उसको उसी कलर की ऊन के साथ करना रहता है हमको। ग्रे कलर की ऊन को यहाँ पे ग्रे कलर की ऊन के साथ से करते हुए फिर सी लेंगे हम इसे। इस तरह से सिलते हैं, हमारा इस तरह से सिल जाता है, हम यहाँ नीचे तक सिल लाते हैं। इस तरह से लास्ट तक सिल लाते हैं। अपने सुई को आगे की तरफ लाते हैं, जो हमारा एक बीच का घेरा होता है उस घेरे में सुई को इस तरह डालते हैं। जो हमारी ऊपर की है इसमें इस तरह डाल देते हैं उसका, और उनको हम जितना हमारा घेरा उस हिसाब से हम इसे थोड़ा थोड़ा खींच लेते हैं। तो हमारे बीच का हिस्सा बंद हो जाता है, सुई को पीछे ले जाके हम उनको काट देते हैं। इस तरह हमारा ये टेबल क्लॉथ थाल पोज कंप्लीट हो जाता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।